नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं पाठ पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल सहित लेकर आई हूँ। आप भी इन प्रश्नों को मेरे साथ साथ हल कीजिए और देखिए आप कितना स्कोर करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प हैं। पाठ शुरू करते हैं और इस वीडियो को मैं अल्पना वर्मा यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला प्रश्न यहाँ देखते हैं, अखबार शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? क हिंदी, ख अरबी, ग मराठी, घ गुजराती। तो इसका उत्तर है ख अरबी, यह अरबी भाषा का शब्द है। प्रत्येक समाचार, प्रश्न संख्या दो, प्रत्येक समाचार के शीर्षक के बाद और इंट्रो से पहले उस समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है समाचार पत्र में, तो उसे क्या कहते हैं? क स्तंभ यानी कॉलम, ख डेडलाइन, ग डेटलाइन या घ हेडलाइन। इसका उत्तर होगा ग डेटलाइन। प्रश्न संख्या तीन, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है? विकल्प हैं क किसी के कामकाज पर निगाह रखते हुए किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना, या ख किसी के कामकाज पर निगाह रखे बिना किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना, या ग किसी के कामकाज पर निगाह रखते हुए प्राप्त सूचना को गोपनीय रखना, या घ किसी के विषय में प्रचार करना। वॉचडॉग पत्रकारिता है क्या है? किसी के कामकाज पर निगाह रखते हुए किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना, और यही हमारा उत्तर होगा विकल्प क। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, समाचार पत्र में समाचार का स्थान, खबर का स्थान कौन निर्धारित करता है? क विकल्प है क वरिष्ठ पत्रकार, ख पूर्णकालिक पत्रकार, ग संपादक या घ खेल पत्रकार। तो यह सही उत्तर होगा ग संपादक। संपादक किसी भी समाचार पत्र का जो संपादक होता है वह निर्धारित करता है ये कौन सा समाचार कहां प्रकाशित होगा। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है यानी जितने विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक इस विषय के संबंधित जो बात है वह गलत होगी। तो कौन सा कथन असत्य है उसे हमें ढूंढना है। तो चार विकल्प हैं यहाँ, क कम से कम शब्दों का प्रयोग, ख केवल घटना की सूचना होती है, क दर्शकों तक विस्तृत जानकारी पहुंचती है, ख तत्काल दर्शकों को सूचना दी जाती है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? ग दर्शकों तक विस्तृत जानकारी पहुंचती है, ये असत्य है, गलत है, और यही हमारा विकल्प ग उत्तर होगा। लेखन शैली और लेखन का सही जोड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं और आपको इनमें से सही जोड़ों को पहचानना है। ये प्रश्न संख्या 6 है और इस तरह से जोड़े दिए हैं और यहाँ पे विकल्प आपको इस तरह से दिए हैं जिनमें से सही विकल्प आपको ढूंढना है। उल्टा पिरामिड समाचार लेखन, दो उल्टा पिरामिड आलेख लेखन, तीन पिरामिड कथा लेखन, चार उल्टा पिरामिड फीचर लेखन। तो कौन सा जोड़ा यहाँ सही है? विकल्प में दिया है क एक और दो, ख तीन और एक, ग तीन और चार, ये जोड़ा सही है या नहीं ये पहचानना है, घ दो और तीन। तो यहाँ पे जो जोड़े दिए हैं वे कौन से सही हैं? उल्टा पिरामिड समाचार लेखन, ये जोड़ा सही है, और पिरामिड और कथा लेखन, ये जोड़ा सही है। तो एक और तीन ढूंढें कहाँ पर है? ख विकल्प में है, तीन और एक के लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर होगा ख। फ्रीलांसर पत्रकार क्या करता है? इसके बारे में जो जानकारी यहाँ दी गई है नीचे, कौन सी जानकारी इसके बारे में सही है उसे हम ढूंढेंगे। क मुफ्त में काम करते हैं, ख भुगतान के आधार पर काम करते हैं, या ग किसी समाचार संगठन में तय वेतन भोगी होते हैं।
तो फ्रीलांसर पत्रकार जो हैं वे स्वतंत्र पत्रकार हैं और ये किसी भी समाचार संगठन के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किसी से बंधे नहीं होते और भुगतान के आधार पर ये काम करते हैं। प्रश्न संख्या 8, पत्रकार की बैसाखियां किन्हें कहा जाता है? बैसाखियां हैं क विश्वसनीयता संतुलन बेईमानी और स्पष्टता, या ख विश्वसनीयता संतुलन निष्पक्षता और स्पष्टता, ग रिश्वतखोरी तथा स्पष्टता, घ संतुलन निष्पक्षता चोरबाजारी तथा स्पष्टता। विकल्प ख हमारा उत्तर है, पत्रकार की बैसाखियां हैं विश्वसनीयता संतुलन निष्पक्षता और स्पष्टता। प्रश्न संख्या 9, पत्रकार कपलिंग ने समाचार संकलन के लिए 5W और 1H का सिद्धांत सिद्धांत दिया था, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? क 8 ककार का सिद्धांत, ख 5 ककार का सिद्धांत, ग 2 ककार का सिद्धांत, या घ 6 ककार का सिद्धांत। तो यह है 6 ककार का सिद्धांत सही उत्तर, विकल्प घ। प्रश्न संख्या 10, 6 ककार क्या हैं? क कहां कब क्या किसको क्यों और कैसे, ख कहां कब क्या किसने क्यों और कैसे, ग कहां कब कौन किस लिए क्यों और कैसे, घ कहां किस तरह किससे क्यों और कैसे। 6 ककार हमको अच्छे से रट लेने हैं, क्या होते हैं, कहां कब क्या किसने, या फिर किसने की जगह हम कौन भी लिख सकते हैं, क्यों और कैसे। तो ये कहां पर है हमारे पास ऑप्शन ख, कहां कब क्या किसने या कौन क्यों और कैसे। तो ये जो विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है, यही 6 ककार हैं। सीमित या कम समय के लिए काम करने वाले पत्रकार को कहा जाता है, रिक्त स्थान दिया गया है, तो क्या विकल्प होगा, यहाँ हमें ढूंढना है। 4 विकल्प हैं, क पूर्णकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार, या फिर ग विशेष पत्रकार, या फिर घ अंशकालिक पत्रकार। तो इसका उत्तर होगा अंशकालिक पत्रकार, सीमित या कम समय के लिए काम करते हैं। प्रश्न संख्या 12, समाचार लेखन के कौन से ककार में व्याख्यात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है? तो कौन से ककार हैं वे? क विकल्प है कब क्यों, ख कौन कब, ग कैसे क्यों, घ कहां कब। तो समाचार लेखन में कैसे और क्यों, इन दो ककारों पर ये इनके इन दो ककारों के व्याख्यात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है, विकल्प ग सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, प्रत्येक समाचार या पत्रिका में संपादक प्रकाशक और मुद्रक यानी प्रिंटर का प्रिंट कौन कर रहा है उसका नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है, इस विवरण को क्या कहते हैं? क हेडलाइन, ख डेडलाइन, ग प्रिंट लाइन, या घ डेडलाइन। इसे क्या कहते हैं? प्रिंट लाइन। 14, प्रश्न संख्या 14, ऑप एड पृष्ठ पर किस प्रकार की सामग्री देखी जा सकती है? क टिप्पणियां, ख स्तंभ, ग विचार परक लेखक, घ उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, जो बहुत ही कॉमन मतलब कॉमनली बार बार ये पूछा जाता है, पहले के प्रश्न पत्रों में भी पूछा गया है 1 अंक के लिए, समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? विकल्प हैं क विशेष रिपोर्ट, ख संपादकीय, ग कार्टून, घ आलेख। समाचार पत्र की आवाज
संपादकीय को कहा जाता है, यही इसका उत्तर है ख। प्रश्न संख्या 16, सही कथन चुनिए। क, बाहर का लेखक अखबार में संपादकीय लिखता है। ख, आमतौर पर सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। ग, संपादकीय के साथ लिखने वाले का नाम भी छापा जाता है। या ग, संपादकीय एक व्यक्ति विशेष के विचार होते हैं। तो इन चारों कथनों में से जो सही कथन है वह है ख, आम तौर पर सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं और बाहर का लेखक अखबार में संपादकीय नहीं लिखता है। संपादकीय के साथ लिखने वाले का नाम कभी नहीं छापा जाता और संपादकीय एक व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते हैं। तो सही कथन ख है इसमें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्ची सामग्री जुटाने में क्या सहायक होता है? क, समाचार वचन। ख, साक्षात्कार। ग, फोटोग्राफी। या घ, ध्वनि रिकॉर्डिंग। ख, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेना। यह कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्ची सामग्री जुटाने में सहायक होता है। अपनी पाठ्यपुस्तक के अन्य पाठों हेतु आप मेरे चैनल अल्पना वर्मा पर प्लेलिस्ट में अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम या अपनी कक्षा की प्लेलिस्ट देखें। प्रश्न संख्या 18। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? क, पूर्णकालिक पत्रकार। ख, फ्रीलांसर पत्रकार। या ग, अल्पकालिक पत्रकार। या फिर घ, अंशकालिक पत्रकार। तो भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्र में लिखने वाले पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार या फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। प्रश्न संख्या 19। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? क, 4। ख, 5। ग, 6। या घ, 3। तो यह 3 भागों में बांटा जाता है। इंट्रो और बॉडी और लास्ट में समापन। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? क, मध्य भाग। ख, बॉडी। या ग, इंट्रो। या फिर घ, समापन। इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है? इसका उत्तर होगा क, मध्य भाग। अभी हमने जैसे देखा उल्टा पिरामिड शैली में हम सबसे पहले ऊपर इंट्रो रखते हैं, फिर उसके बाद बॉडी होती है, फिर समापन का हिस्सा होता है। प्रश्न संख्या 21। समाचार पत्रों में छपने वाले फीचर में लगभग कितने शब्द होने चाहिए? क, 250 से 3000 शब्द। या फिर ख, 150 से 500 शब्द। या ग, 250 से 2000 शब्द। या घ, 300 से 5000 शब्द। इसका सही उत्तर होगा ग, 250 से 2000 शब्द। प्रश्न संख्या 22। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? इस शैली को हम इसकी मानक शैली भी कहते हैं। क, कथात्मक शैली है। या फिर ख, फीचर शैली है। या फिर ग, पिरामिड शैली है। या फिर घ, उल्टा पिरामिड शैली है। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इसका प्रयोग लगभग 1900 शताब्दी से ही शुरू हो गया था, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इसका और अधिक चलन हो गया। तो प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। समाचार प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह। क, हेडलाइन। ख, डेडलाइन। या ग, डेडलाइन। या घ, प्रिंट लाइन। तो इसका उत्तर है डेडलाइन। प्रश्न संख्या 24। समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? क, प्रकाशक। ख, संवाददाता। ग, फीचर लेखक। या घ,
संपादक, तो क्या कहते हैं, घ संपादक, समाचार पत्र का संपादन करने वाला संपादक कहलाता है। फीचर की क्या विशेषता है, क सृजनात्मक, ख सुव्यवस्थित, ग आत्मनिष्ठ या घ उपर्युक्त तीनों। इसका उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों, विकल्प घ। मीडिया की भाषा में बीट का क्या अर्थ है, प्रश्न संख्या 26। विकल्प हैं क क्षेत्र, ख समाचार, ग खबर या घ नाटक। इसका उत्तर होगा क क्षेत्र। प्रश्न संख्या 27। तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, क खुफिया रिपोर्ट, ख विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, ग खोजी रिपोर्ट या घ इनडेप्थ रिपोर्ट। ये होता है इनडेप्थ रिपोर्ट, विकल्प घ इनडेप्थ रिपोर्ट। तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन करने वाली रिपोर्ट को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28। इंट्रो में कितने ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जानी चाहिए, क 3 या 4, ख 1 या 2, ग 2 या 3 या फिर घ 4 या 5। तो इसमें है क 3 या 4, और ये कौन कौन से ककार हैं। क इसका सही उत्तर होगा 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जानी चाहिए, और ये ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। क्या, कौन, कब, कहाँ, इनको आधार बनाकर इंट्रो में आपको सामग्री खबर के लिए लिखनी होगी। प्रश्न संख्या 29। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न के विकल्प हैं क 2, ख 4, ग 5, घ 3। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार और पूर्णकालिक पत्रकार। 3 तरह के पत्रकार होते हैं। प्रश्न संख्या 30। टेलीविजन के लिए समाचार लिखने की मौलिक शर्त क्या है, क कठिन भाषा में लेखन, ग दृश्य के साथ लेखन, ग सनसनीखेज लेखन या घ कथात्मक लेखन। इसकी शर्त, मौलिक शर्त है दृश्य के साथ लेखन, विकल्प ख सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31। किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है, कौन करता है, क इसमें से सही विकल्प चुनना है, क फ्रीलांसर, ख स्ट्रिंगर या अंशकालिक, अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहते हैं, ग पूर्णकालिक पत्रकार या घ स्थायी पत्रकार। किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर स्ट्रिंगर या अंशकालिक पत्रकार काम करता है, वेतन नहीं कहा गया यहाँ पर, मानदेय कहा गया है। और रिपोर्टर को हम हिंदी में संवाददाता कहते हैं, ये अतिरिक्त आपको सूचना दी जा रही है। कुछ अन्य प्रश्न भी यहाँ देखते हैं। पत्रकारीय लेखन का प्रमुख धर्म क्या है, ए सनसनी फैलाना, बी टीआरपी प्राप्त करना, सी सूचना प्रदान करना, डी विवाद उत्पन्न करना। इसका उत्तर होगा सी सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखकों के लेखों की नियमित श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, ए संपादकीय, बी स्तंभ लेखन, सी विशेष लेखन या डी पत्र लेखन। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला है वह एक स्तंभ में छापी जाती है, एक कॉलम में छापी जाती है, इसको कॉलम लेखन या स्तंभ लेखन भी कहते हैं। तो बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा खोज परक पत्रकारिता का एक प्रकार है, ए स्टिंग ऑपरेशन, बी तहलका, सी सनसनी, डी क्राइम रिपोर्टिंग। इसका उत्तर होगा स्टिंग ऑपरेशन। खेल पत्रकारिता किस प्रकार का एक उदाहरण है, ए खोजपरक, बी एडवोकेसी, सी विशेषीकृत या डी वॉचडॉग। खेल पत्रकारिता किस प्रकार का उदाहरण है, विशेषीकृत, सी ऑप्शन। सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना कैसी पत्रकारिता है, ए एडवोकेसी, बी वॉचडॉग, सी वैकल्पिक या डी पेशथ्री। तो ये
वॉचडॉग पत्रकारिता है। किसी खास जनमत या विचारधारा को बढ़ावा देने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं? ए P3, बी खेल पत्रकारिता, सी एडवोकेसी या डी क्राइम रिपोर्ट। तो इस तरह की जो पत्रकारिता होती है जिसमें हम एक विशेष जनमत या विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, उस पत्रकारिता को एडवोकेसी कहा जाता है। सी विकल्प। सनसनी चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कहा जाता है? ए Page 3, बी फेकिंग, सी स्टिंग या डी ग्लैमरस। ये है Page 3 जर्नलिज्म, Page 3 पत्रकारिता। समाचार प्रकाशन का प्रमुख घटक है ए प्राचीनता, बी नवीनता, सी ग्लैमर या डी सनसनी। इसका उत्तर होगा बी नवीनता। इसके साथ ही प्रश्न उत्तर की यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।